फिर यहाँ कैसे चूक हो गई? अब चूंकि सीजीएम द्वारा ये पुलिस कस्टडी रिमांड में थे, तो ये पूरा पूरा जो है इसमें पुलिस की विफलता है। यहाँ तो पुलिस पूरा भरोसा किया गया था कि पुलिस जो है ऐसा कुछ नहीं होने देगी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन दोनों लोगों की हत्या हो गई। पुलिस द्वारा हथकड़ियां लगाई गई थी, अगर समझ पाते भी तो मौका नहीं मिलता भागने का। तो जैसे पुलिस का क्या रिएक्शन था, पहली प्रतिक्रिया पुलिस की क्या थी? गोलियां चली, पुलिस ही भागी, यही रहा पुलिस की प्रतिक्रिया पहले तो। मतलब वो त्वरित थी कि अपनी जान बचाने के लिए? जी हाँ, वो तुरंत जो है पीछे हट गई थी, छोड़ गया अतीक और अशरफ जी को। जैसी राम बोल दिया तो उसके लिए अभी कहीं मीडियम दिखाया भी नहीं गया, साइलेंट भी कर दिया गया है ताकि सांप्रदायिक चीजें न दिखाई जाए। इस बात का पूरा ध्यान मीडिया भी रख रहा है, लेकिन ये सब चीजों को बार बार उठाया जाता है ये बताने के लिए कि उनको सांप्रदायिक साबित करने के लिए। हमारे सांप्रदायिकता कोई जगह ही नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, हमारे राम का नाम ले गए इस तरह कुकृत नहीं होना चाहिए। हमारे राम का बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमारे राम का नाम ले रहे हैं तो अच्छे चीज नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेके, हमारे भगवान का नाम लेके अगर आप कुछ गलत काम करेंगे, महात्मा गांधी तो हैं नहीं, अपराधी तो अपराधी हैं। अगर राम का नाम लेके ऐसा काम करें तो मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूंगा। राम का नाम मैं भी लेता हूं, लेकिन इस तरह के कार्यों के लिए मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। और अगले ही पल उसका अतीक और उनका भाई जमीन पर पड़े हुए थे और बाकी लोग जो है वो हाथ ऊपर करके सरेंडर करने की मुद्रा में थे। सरेंडर सरेंडर उन्होंने चिल्लाया और उसमें दो को खड़े पे पकड़ा गया है और एक अपने आप जमीन पे लेट गया है। पुलिस का हाव भाव उस वक्त क्या था? सवाल, पुलिस नदारद थी, पुलिस आसपास नहीं थी। अगर मेरे फ्रेम में देखेंगे तो तीनों शूटर्स ने उन दोनों भाइयों को घेर के रखा हुआ है और पुलिस कहीं भी फ्रेम में नहीं है। पुलिस अपनी खुद जान बचा रही थी? बिल्कुल जान बचा रही थी, बिल्कुल जान बचा रही थी पुलिस। आपको मेरे, मैंने वाइट खोल, उस बात की फिक्र नहीं थी वहां कितने पत्रकार खड़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि होगी। दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं तफज्जुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो टीएल गैलरी। बड़ी अफसोस की बात है, आज 4-5 दिन पहले का घटना है। अब सभी को पता है माफिया अतीक के बारे में, जो अतीक अहमद ने माफियागिरी करते करते सबको परेशान कर रहा था। ये माफियाओं के बारे में ये है और उसका फैमिली पे बहुत लोग माफिया हैं, बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, हम सभी को पता है। प्रयागराज में एक टाइम पे उन लोगों का ही मतलब वो चला करता था। तो अभी दिन गुजरे, इसके लिए मैं सोचा क्या करूं, यहीं पे देखो आप सभी का सामने शेयर किया, जो देखो कितना हिंदू भाइयों ने सपोर्ट कर रहा है, यानी कानून को सपोर्ट कर रहा है, गणतंत्र को सपोर्ट कर रहा है संविधान की तरीका से, जैसे पुलिस ना मारे, आप सभी को दिखाया मैंने वीडियो पे। तो ये सब वीडियो देखा हूं, देख के मुझे लगा मैं रिएक्शन देने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 3-4 दिन 5 दिन से मैं खामोश हूँ। मेरा बहुत सारे दोस्तों ने कहा रहा है भाई आपका क्या रिएक्शन बन सकता है दीजिए। मैं वो सोचा इसमें क्या रिएक्शन दूँ, कहाँ तो हिंदू मुस्लिम आ जाएगी बीच में। तो मेरा कहना यह है हिंदू मुस्लिम बीच में नहीं लाना है, जिससे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने ये वीडियो के ऊपर, ये हत्याकांड के ऊपर विरोध कर रहा है। भले वो गुंडा है, वो तो सब कह रहा है, मुसलमान भी कह रहा है, हिंदू भी कह रहा है, हर किसी धर्म के लोग नहीं कह रहा है, लेकिन इसके बीच हम लोग धर्म जाति के नाम पे आधार पे विचार नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात अफसोस लगा दोस्तों, जैसे एक भाई ने कहा था वीडियो में, मैं वीडियो सारा आप सभी का सामने शेयर नहीं कर पाया, बहुत लंबा हो जाएगा, लल्लन टप से ये वीडियो किया गया है, उन लोग को क्रेडिट दिया जाएगा सब। दोस्तों जो एक चीज मुझे पसंद नहीं आया, जो किसी को हत्या करने, भले वो अपराधी है, इसको कानून के दायरे में उन लोग को सजा दिया जाएगा। आपका सभी को पता है जो 9 लोग आरोपियों से 6 लोग ही मारा गया है 2-2.5 महीने के बीच में। देखो क्या हो सकता है आपके ऊपर, कल आपका ऊपर क्या भरोसा है? यहाँ एक वकील ने स्पष्ट रूप से कहा है जो बेफेल है पुलिस, यूपी पुलिस विफल है, यानी इतना सारे कम से कम आप लोग देखे होंगे 20-25 सेकंड की काम है, 20-25-30 सेकंड में वो गोली कर रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं। क्या पुलिस ने यहाँ रिएक्शन करना था? क्योंकि अगर मैं कहूं दोस्तों, बुरा मत मानिए, यहाँ अगर कोई मुसलमान ने कोई हिंदू का ऊपर हत्या आक्रमण किया होता या गोली चलाया हुआ होता तो क्या ये पुलिस लोग खामोश रहते? 1 सेकंड भी नहीं गोली चला देते, बदन पे हो शॉट कर देते हैं, मतलब जैसे और हुआ अतीक अहमद का लड़का का साथ जो हुआ, इस तरह ये तीनों आरोपियों को गोली करके मार देते। अगर ये तीनों मुसलमान होता और जो अपराधी हिंदू होते, जरूर है ना दोस्तों, यही होता ना, पलट गया होता ना। जैसे असम के एक उदाहरण दूं, जैसे असम में आप सभी ने देखा होगा वीडियो, जो एक बंदे लाठी लेके आ रहा था, पुलिस 27 कर्मी है, पुलिस फौज सब लोग हैं यहाँ पे, 27
के सामने एक लाठी लेके आया, लेकिन उनको बचा, उनको पकड़ने के लिए 27 की काम नहीं है, उनको तुरंत ही गोली करके मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था। और दूसरी अफसोस की बात है दोस्तों, जैसे मार दिया गोली किया है, इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है, कहीं किसी धर्म की गुरु ने या भगवान ने नहीं कहता है जो इंसान को कत्ल करके, इंसान गुनहगार है, पापी है, वो माफिया है, सभी को पता है, लेकिन हम आपके हक नहीं है, हम लोग इसका ऊपर अपने विचार करें, हमारे हक नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है, और दूसरे हमारे कानून के हाथ पे है, कानून जो सजा देगा। तो दोस्तों ये जय श्री राम का नारा लगाना ये भी बहुत अफसोस की बात है, इससे पता चलता है जो धर्म कितना कमजोर है, हिंदू धर्म कितना कमजोर है, इसी ने ही पता चला जाएगा, और दुनिया भर के लोग ने हंसेगा, क्यों, किसी को कत्ल करने का वक्त जय श्री राम नारा लगाया, और सारा कमेंट भी ऐसे ही है, जय श्री राम। देखो एक मानव को इतना करना, ये जितना भी बड़ा गुनाह करे, हम आपका अधिकार नहीं है, ये कानून के अधिकार है, कानून ने उसको सजा देगा, वो तो सजा ही है, फिर सजा देगा। ऐसे अगर पुलिस के सामने किसी को मार दिया गया गुनाहगार, कल आपको हमको क्या भरोसा हो सकता है, पुलिस के सामने लोग जाता है किस लिए, हमको सेफ्टी मिले, पुलिस का साथ जा ही रहा है, लेकिन मार दिया गया, वो मैं अफसोस करता नहीं हूं, किसी ने भी अफसोस कर नहीं रहा है, आतिक अहमद के सपोर्ट पे या मुसलमान होने के नाते हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो माफिया है, वो कितनों को सजा दिया है, ऐसा तक सुना है वो माफिया ने लूट लेते हैं 10 रुपया लूट के ला के 10 पैसा बांट देते हैं गरीबों को, और गरीब 10 पैसा से खुशी है, और वो बाकी धन जो है 9 रुपया 90 पैसा वो खुद उनका है, इस तरह है ये गुंडा था, तो इनका साथ क्यों दूं, जरूर इसका पाप के कर्म से यही मौत हुआ है, ये सजा होना ही था, उनका लिखा ही था ऐसे मौत होना, जो जैसे हालत करेगा, जो काम कर्म करेगा उसी को इस तरह ही मौत दिया जाएगा दोस्तों। तो ज्यादा ना कहूं, आप लोग का क्या राय है, क्या कमेंट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आज कुछ दिनों के बाद बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत दोस्तों ने बोला भाई आपका क्या रिएक्शन हो सकता है, आपने क्या कहना चाहते हो, तो यही मैंने आप सभी का सामने शेयर किया दोस्तों। अगर मेरे बातों में कोई बुरा नाराजगी हुआ है तो मुझे माफ कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अहोम। उमेश पाल की हत्या के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि 9 आरोपियों में से 6 की मौत हो चुकी है। अतीक के बेटे असद समेत 4 लोग कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। अब मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर हत्या की डिटेल रिपोर्ट मांगी है।